टाइम न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात के सूरत जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार देर रात पथराव किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें ओवैसी भी सवार थे। हालांकि ओवैसी इस घटना में बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए हैं और सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर हमला किया गया है। रेलवे प्रशासन जहाँ इस हमले की जाँच की बात कही है, वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती हुई साफ नजर आ रही है। AIIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि पत्थरबाजी जानबूझकर की गई ताकि ओवैसी को चुनाव में आगे बढ़ने से रोका जा सके। वारिस पठान ने यह भी बताया है कि ओवैसी जिस कोच में यात्रा कर रहे थे, वहां की खिड़की पत्थरबाजी से टूट गई है। उन्होंने ओवैसी की यात्रा की जानकारी ट्वीट करके भी दी है। आपको बता दें कि वारिस पठान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम जी, आप पत्थर बरसा लो या आग बरसा लो, ये हक की आवाज ना रुकी है और ना रुकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और इस बीच ही राहुल गांधी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंचे हैं, जहां राहुल गांधी ने रात भर होने वाले गुरु नानक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और इस दौरान ही राहुल गांधी सिखों के पारंपरिक लिबास में नजर आए हैं। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। आपको बता दें कि सिख धर्म को मानने वालों में गुरु नानक जयंती का दिन बेहद खास होता है। उन्होंने अपना जीवन जो है मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए लगा दिया था। गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी यादगारी साहिब जादे बाबा जोरावर सिंह जी के फतेह सिंह जी गुरुद्वारा पहुंचे। सीकर के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीकर के अधिकतर इलाकों में ही आज सुबह धुंध और बादल छाए रहे। आपको बता दें कि जिससे हालांकि सीकर में ही रात के पारे में 5 डिग्री से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल सीकर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। सीकर में आज हल्की बारिश की संभावना है और सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर सोमवार रात का पारा जो रहा है 19 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले यहाँ रविवार रात का पारा 13.5 डिग्री और शनिवार रात का पारा भी 13.5 डिग्री दर्ज किया गया था। और केंद्र के मुताबिक आज सीकर में कई इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश होने की संभावना है और वहीं जयपुर और मौसम केंद्र की रिपोर्ट की माने तो फिर राजस्थान में आज राजस्थान के ही चूरू, झुंझुनू और इसके साथ ही सीकर समेत कुल 7 जिलों में ही हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 नवंबर तक बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा और इसके बाद ही 10 नवंबर से उत्तरी हवाओं के चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी, साथ ही सर्दी का असर भी बढ़ेगा।